में मराठा आरक्षण का मुद्दा बड़ी मात्रा में जोर पकड़ रहा है। इस बीच राज्य में मराठा बनाम कुनबी की स्थिति बनी हुई है, जहां संविधान चौक पर चल रहे सर्व शाखीय कुनबी समाज कृति समिति के आंदोलन में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा आगामी 29 तारीख को चर्चा सत्र का आमंत्रण दिया गया है, जिसके विषय में जानकारी दी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबन राव तायवाड़े ने। दरअसल जब से मराठा समाज द्वारा कुनबी प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है, उसके बाद से राज्य की स्थिति पूरी तरह से बदल कर मराठा बनाम कुनबी ऐसी हो चुकी है, जिसका विरोध करने के लिए 13 दिनों से सर्व शाखिया कुनबी कृति समिति द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। उसी बीच आज दोपहर 1 बजे राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर पूर्व राज्य मंत्री एवं विधायक पर्णे फूके एवं पूर्व विधायक सुधाकर कोहले साथ साथ पूर्व विधायक आशीष देशमुख द्वारा आगामी 29 तारीख को सह्याद्री सभागृह में होने वाले अधिकृत चर्चा का आमंत्रण दिया गया है, जिससे कि इस मुद्दे को सुलझने की आशा दिखाई दे रही है। ऐसी प्रतिक्रिया राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष बबन राव तायवाड़े ने दी है। आता 13वा दिवस आहे, या ठिकाणी ओबीसी समाजाच्या संवैधानिक आणि न्याय मागण्याकरता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे नागपुरातच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारचं आंदोलन सुरू आहे। महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यांमध्ये, मग ते नागपूर असो, चंद्रपूर असो, गोंदिया असो, आमगाव असो, जालना असो, शहापूर असो, वाडा असो, मुंबई असो, या सर्व ठिकाणी मोठे मोठे मोर्चे झालेले आहेत। खूप साऱ्या ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्याला निवेदन देण्यात आलेले आहे, धरणे कार्यक्रम सुरू आहे। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ मनीष ठेमरे, BCN न्यूज़, नागपुर।